नमस्कार दोस्तों, कार मेरे आर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कॉम्पैक्ट हैचबैक का ज़माना कभी नहीं जा सकता, उसकी डिमांड हमेशा रहती है। तो हम देखते हैं कि फरवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 के अंदर कौन सी कारें ऊपर गई, कौन सी नीचे आई, किसका आंकड़ा ऊपर है, किसका नीचे है, सेल्स फिगर किसकी बढ़ी, किसकी कम हुई। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो से। स्विफ्ट, जिसको कि तीसरी बार अपडेट मिल चुका है, अभी फरवरी 2021 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार अभी भी ये सबसे ऊपर है, जो कि 20,264 कारें बिकी हैं फरवरी 2021 में। पिछले साल यही फरवरी 2020 में 18,696 कारें बिकी थी, लॉकडाउन से पहले की बात है। प्लस 18% ग्रोथ लेके ये गाड़ी चल रही है, जो कि कारण सबसे बड़े समझे जा सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारे अपडेट्स आना, अब नया इंजन भी आना, तो ये सारी चीज़ें टाइमली जो चेंज कर रहे हैं उसके कारण इसको पॉजिटिव साइन ग्रोथ भी मिली है। वैगन आर की अगर बात करो तो अगली कार है जिसके अंदर 1.2 लीटर का और 1.0 लीटर का पेट्रोल के इंजन पाए जाते हैं, और दूसरी बात CNG की किट भी इसमें पाई जाती है फैक्ट्री फिटेड। 18,728 कारें ये बिकी हैं, 18,235 कारें पिछले साल बिकी थी, जो कि मामूली सी 3% की ग्रोथ लेके गाड़ी हमारे सामने आई है। लेकिन ग्रोथ है तो ग्रोथ है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्रैंड आइटन जो कि तीसरे, हमेशा मारुति से पीछे हुंडई ही रहा है, अभी भी वही बात है। ग्रैंड आइटन हालांकि पुरानी कार है, लेकिन फिर भी अच्छी सेल फिगर निकाल के हमारे सामने आती है। 10,270 कारें बिकी हैं दोस्तों फरवरी 2021 में, 20 में 10,407 कारें बिकी थी, जो कि -1% की गिरावट है, जो कि ठीक ठाक सी है, इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस छोटे से फिगर से। मेजर जो चीज़ है वो आपके सामने पेश करता हूँ, हुआ टाटा की टियागो। अब इसकी फिगर्स की बात करूँगा तो सभी हैरान हो जाएंगे, 6787 कार्स बिकी हैं फरवरी 2021 में, जो कि पिछले साल 3921 थी मात्र, प्लस 73% की ग्रोथ हासिल की है इसने। उसका कारण सबसे बड़ा है इसका फेसलिफ्ट आना, जो कि बहुत पसंद आ रहा है सबको। अल्ट्रोस जैसा फेसलिफ्ट इसका आ गया, जो कि खूबसूरत लग रहा है, और टाइम के हिसाब से उन्होंने फीचर्स के अंदर भी काफ़ी अपडेट किए, तो ये चीज़ें सारी प्लस 73% के पॉजिटिव साइन के रूप में हमारे सामने आई हैं। तो एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कॉम्पैक्ट हैचबैक हमारे सामने टाटा टियागो है, जो कि अच्छी ग्रोथ लेके हमारे सामने आई है। सेलेरियो की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, सेलेरियो 6214 कारें बिकी हैं, और वहीं पे 6104 यानी कि 6104 कार्स फरवरी 2020 में बिकी थी, ये जो कि प्लस 2% हमारे सामने आ रही है। इसके कम ग्रोथ होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि बहुत ही ईगरली वेटिंग चल रही है सेलेरियो 2021 की, जो कि नया संस्करण आना है, इसलिए इसकी कारों की सेल में गिरावट भी आई है। इग्निस की अगर बात करें तो 3340 कारें बिकी हैं फरवरी 2021 में, 20 में क्या बिका था, 2912 कारें, प्लस 15% की ग्रोथ हासिल की है। वो चुपके चुपके इन्होंने फेसलिफ्ट जो थोड़े थोड़े से अपडेट इसके अंदर दे दिए, वो जब शोरूम के अंदर हम जाते हैं, नेक्सा के शोरूम के अंदर अगर जाते हैं, तो इग्निस के ऊपर जब ध्यान दिया जाता है तो जो सेल्स पर्सन होता है वो हमें बताता है कि इसके अंदर पहले ये चीज़ की कमी थी, अब ये चीज़ प्लस हो गई है, तो वो चीज़ थोड़ा अट्रैक्ट करती है, इसलिए इस गाड़ी के अंदर 15% ग्रोथ आना लाजमी था। तो अगली बात करें दोस्तों ह्युंडई की, सेंट्रो की अगर बात करूँ तो 2128 कारें बिकी हैं 2021 फरवरी में, वहीं पे 4200 कारें बिकी थी पिछले साल 2020 में, 49% की डी ग्रोथ यानी कि गिरावट हासिल की है इस गाड़ी ने। कारण सबसे बड़ा कि इसके अंदर इसके मुकाबले की बहुत सारी कारें हैं जो अपडेट लेके आ गई हैं, ये गाड़ी थोड़ी सी महंगी लगती है अपने सेगमेंट के अंदर, थोड़ी सी ओवरप्राइज लगती है, तो इसलिए गाड़ी की डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। फोर्ड की फिगो है आगे दोस्तों, कहां सेंट्रो 2128, ये सिर्फ और सिर्फ 119 कारें बिकी हैं अब की बार फोर्ड की फिगो की, 1003 कारें बिकी थी पिछले साल, यानी कि 88% की गिरावट इस गाड़ी ने सेल में हासिल की है। उसका कारण अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसा अपडेट दे, कॉस्मेटिक अपडेट है वो नहीं दी अब तक, बाकी कारें बहुत आगे निकल गई इससे। तो अगली बात करें दोस्तों डाटसन की गो, सिर्फ और सिर्फ 29 कारें बिकी हैं इस फरवरी 2021 में, पिछले साल ये गाड़ी 98% बिकी थी,
98 कारें बिकी थी पिछले साल, अब 70% की गिरावट इस गाड़ी ने भी हासिल की। सबसे बुरा हाल रहा KUV100 महिंद्रा का, जो कि मेरे को भी पर्सनली लगता है कि इतनी इसकी सेल कम होना कोई अचंभे की बात नहीं है। केवल और केवल 4 कारें बिकी हैं फरवरी 2021 में, पिछले साल 108 कारें बिकी थी। इसने 96% की डी ग्रोथ हासिल की है। तो दोस्तों, ये जो फिगर्स हैं हमारे सामने हैं, आंकड़े कुछ बोलते हैं, हम कुछ और बोलते हैं। हम कहते हैं कि बहुत अच्छी कार है, फोर्ड की फिगो अच्छी कार है, या स्विफ्ट के अंदर ये कमियां हैं, लेकिन सच्चाई है जो ऑनलाइन जो खबरें चलती हैं या कुछ भी कहते हैं वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आज भी मारुति सुजुकी का बोलबाला, हुंडई का बोलबाला अब भी है, पहले भी था। तो ये फिगर्स कुछ और ही बताते हैं, चाहे कुछ भी कह लीजिए, जो सेल्स फिगर हमारे सामने आती हैं वो सच्चाई होती है, प्रैक्टिकली वही सामने होता है जो कि कंपनी की सेल्स को दिखाता है। हम अपनी तरफ से कहें कि गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत बुरी है, वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन तो कस्टमर कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है वहाँ का फ़र्क पड़ता है। बताइएगा दोस्तों, आपको इस फिगर से क्या आइडिया होता है, नीचे कमेंट्स में हम बात करते हैं इस बारे में। सीट बेल्ट लगाकर आराम से, ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।